भारत माता की जय, जय श्री सीताराम। भाई बहनों, राम राज की ओर दूसरा कदम है देशभक्ति। राम राज की प्रजा को अपने माता पिता के बाद देश की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए किसी भी रूप में। पढ़ाई कर रहे हैं आप, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो खुद के लिए नहीं देश के हित में सोच के करिए। आजकल ये भावना बिल्कुल गायब हो चुकी है और आजकल जातियों में लोग बट गए, धर्म में लोग बट गए, कई धर्म एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, खासकर हिंदू मुसलमान। अभी पारसनाथ का वो चल रहा है, उधर भी आदिवासी अलग से एकजुट हो गए, मतलब अपने ही अपन लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि अपन में देशभक्ति कम है। जिस देश के लोगों में देशभक्ति होती है वहाँ धर्म और जातिवाद पर लड़ाइयाँ नहीं होती, क्योंकि वो भी उतना ही अपना है जितना कोई और, क्योंकि वो अपने देश में रह रहा है। इसीलिए राम राज का दूसरा कदम है देशभक्ति किसी भी रूप में। कहीं गलत हो रहा है, आप बिल्कुल अपने देश के लिए खड़े हो सकते हैं, तो कोई गलत कर रहा है तो उसे समझा भी सकते हैं, लेकिन अपने अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। आजकल लोग देशभक्ति कम मजाक ज़्यादा बना देते हैं। जैसे अभी 26 जनवरी आएगी, एक दिन की देशभक्ति सब नेताओं में आएगी। सब नेताओं की तो नहीं कह रहे, लेकिन जो विधायक और छोटे स्तर के नेता हैं वो एक दिन के ही देशभक्त बनते हैं, कुछ क्षण के, दिन भी नहीं। ऐसी देशभक्ति हमारे लिए घातक है, क्योंकि ऐसे लोग देश के नहीं होते जो किसी के नहीं होते, वो सिर्फ अपने होते हैं, और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में पीछे होते जा रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कम से कम दिन में एक काम ऐसा करें जिससे अपन को अपने आप पर गर्व हो कि हाँ, ये मैंने अपने देश के लिए किया है, अपने घर के लिए किया है। देश को अपन घर मान के चलें तो उसकी सुरक्षा करने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। किसी भी रूप से आप अपने देश को आगे रखें, अपने देश की बनाई हुई चीज़ें लें, अपने देश की बनाई हुई सामग्रियों को खाएं, अपने देश के किसान का अनाज भी आप खरीदें, मतलब जो अपने पास है वही पर्याप्त है। अपने पास हर चीज़ है अपने देश में, ऐसा नहीं है जम्मू से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, अपने देश में इतने प्रकार के व्यवसाय हैं जिन्हें लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े लोगों के कारण, कुछ नेताओं के कारण जिनने उन पर कब्जा जमा के रखा है, वहाँ का गरीब आदमी जो अपने खेत में वो फसल उगा रहा है उसका वो दाम नहीं ले पा रहा। क्यों? बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग उनसे डायरेक्ट ले रहे, मतलब वो मजबूरी में बेच रहे, उन्हें बिजनेस नहीं कर पा रहे, कहीं उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही, उनसे ज़मीन ले ली जा रही उनकी। तो कहीं ना कहीं जनता को नेता तोड़ रहे हैं। हमें टूटना नहीं है, हमें अपना देश, क्योंकि हम टूटेंगे तो देश टूटेगा। सेना तो हमारे देश की रक्षा फुल कर रही है, लेकिन अंदर से जो देश खोखला हो रहा है उसको अपन को बचाना है। तो अपने देश का सम्मान करें, और कुछ ही दिन में हम डेली आधा एक घंटे रामायण पाठ का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम रामायण पढ़ेंगे, और पढ़ने के माध्यम से खुद भी सीखेंगे और जो कोई भी हमें देखे वो भी सुने और कोशिश करे पढ़ने की। जय श्री सीताराम, भारत माता की जय।